नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप प्रत्यार और आप देख रहे हैं KPG टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आप कैसे एक अच्छा और बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी यूट्यूब वीडियो के लिए एक अच्छा और बेहतरीन थंबनेल कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आपने एक बहुत मेहनत करके एक अच्छी वीडियो बनाई है, अगर उसका थंबनेल अच्छा नहीं है तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई है व्हाट्सअप टिप्स एंड ट्रिक के लिए, या कुछ भी आपने वीडियो बनाई है, तो उसमें आपने वीडियो बहुत मेहनत की है, अपने घंटों मेहनत की है, 2-3 दिन आपने उसमें लगा दिए वीडियो में, लेकिन आपने थंबनेल उसे जल्दबाजी में ऐसी बना दिया तो उसका होगा क्या? क्योंकि आपके पास शुरू में क्या होता है, आपके पास सब्सक्राइबर नहीं होते और बहुत ज़्यादा मतलब ऑडियंस नहीं होती है, तो उसमें होता क्या है उस केस में कि आपका जो वीडियो है वो सजेशन में जाएगा और उसका थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो जो लोग होंगे उसे देखेंगे, उस पर क्लिक नहीं करेंगे। आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में आएगा फिर भी उस पर लोग बाग क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है। अगर आपका थंबनेल अच्छा है, गुड मतलब वेरी गुड आपका थंबनेल है, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, तो उसमें हो उस केस में क्या आने वाला है, बाकी लोगों से आपका थंबनेल कुछ हटके है, आपने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, तो उसमें उस केस में क्या होगा, जो भी उस थंबनेल को देखेगा उसी पे क्लिक करेगा। अभी मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कुछ वीडियोज ऐसी है, वीडियोस मतलब बहुत बेकार वीडियोस बना रखी है उन्होंने, मगर थंबनेल उन्होंने इतना अच्छा बना रखा था, उनकी वीडियो पे मिलियन मिलियन व्यूज थे, वीडियो में बिल्कुल भी दम नहीं था मगर थंबनेल अच्छा था, तो इसलिए उन्होंने मिलियनों में व्यूज पा लिए। तो आपके लिए एक अच्छा थंबनेल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपनी वीडियो में एक अच्छा थंबनेल रखेंगे तो आपको ज़्यादा व्यूज, ज़्यादा सब्सक्राइबर आने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूं, इसके द्वारा आपको बताऊंगा कि आप इस एप्लीकेशन का यूज करके एक अच्छा और गुड, वेरी गुड थंबनेल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन का बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए वे बड़े हुए हैं, ठीक है। आप भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, एक अच्छा थंबनेल बनाएंगे, आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करना आपको आ जाएगा तो आप भी एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो आपको अपने थंबनेल का बैकग्राउंड लेना है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड साइड में बहुत सारे बैकग्राउंड हैं। इसके अलावा आप 3 डॉट पे क्लिक करके उस इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी गैलरी से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने ये इमेज यहाँ पे ले लिया है इसमें, तो यहाँ से ये इमेज हमने ले लिया है। इसके अलावा सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इमेज साइज में जाना है, इसका जो ये कस्टम है अभी, और इसे आपको YouTube के थंबनेल के हिसाब से कर लेना है, ठीक है। YouTube थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, ये कर लेना है, ठीक है, और इसे इसके बाद यहाँ से इसे ओके कर देना है, ठीक है। तो अब ये YouTube की जो थंबनेल है उसके हिसाब से ये हो गया है। अभी यहाँ पे आप इसे वीडियो में लगाएंगे तो इसे ठीक से काम करेगा। यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में एक इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं। अभी मैंने स्क्रीन शॉट यहाँ से ले लेता हूँ, एक स्क्रीन शॉट मुझे लगाना है यहाँ पे, तो इसी स्क्रीन शॉट को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसी स्क्रीन शॉट को आप अपने हिसाब से कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे अभी अपने थंबनेल के हिसाब से जो मुझे मतलब जो थंबनेल अच्छा बने ऐसे इसी हिसाब से मैं इसे यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा फिर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ्रॉम गैलरी, और यहाँ से अभी मैं एक PNG फ़ोटो लेने वाला हूँ,
मोबाइल फ्रेम की, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ वो कहाँ पे है। तो यहाँ डाउनलोड में थी ये, हमने फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर ली। ये मोबाइल की PNG फ़ोटो है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल PNG फ़ोटो, ठीक है, मोबाइल फ्रेम PNG फ़ोटो, ऐसे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे PNG फ़ोटो गूगल पे मिल जाएंगे, वहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसे ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि लगे कि ये मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से हमने ठीक से एडजस्ट कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ से फिर से एक इमेज और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में जाके हम एक इमेज और ऐड कर लेते, तो वो इमेज यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट फोल्डर में है, वो कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है वो। तो यहाँ से हम इसे एरो को ले लेते हैं, ठीक है। इसे भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे इजीली मिल जाते हैं, बहुत सारे इमेज आपको ऐसे मिल जाएंगे। इसे आप एरो लिख के सर्च करेंगे, एरो PNG, तो ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कुछ ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि व्हाट्सअप के हम इस वीडियो में, जिस वीडियो के लिए हम मैं इसे बना रहा हूँ, उस वीडियो में व्हाट्सअप के न्यू ब्रॉडकास्ट फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस एरो से उसी का और हम इसे कर रहे हैं कि मतलब देखने वाले को लगे कि हम इसी फीचर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो एरो हमारे सेट हो गया है, और इसके बाद हम कुछ टैक्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर टैक्स है ऊपर सबसे, यहाँ पे टैक्स ऐड हो गया, यहाँ पे हमने टैक्स यहाँ पे ला दिया, ठीक है। अब यहाँ से इस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसे लिख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप लिख लेता हूँ, व्हाट्सअप ये आ गया यहाँ पे, इसे डोंट, और फिर यहाँ पे इसे ओके कर देना, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने लिख दिया, इसका कलर हम चेंज करेंगे, आपको नीचे ए जो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको कलर है, कलर से हम इसका कलर चेंज करेंगे, येलो कलर हम इसका, इसका ग्रीन कलर हम ले लेंगे, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रीन होता है ना, तो इसलिए हम इसका कलर जो है ग्रीन लेते हैं। इसके बाद हम कुछ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ पे स्टॉक इसे इनेबल करेंगे, तो यहाँ से इस व्हाट्सअप जो हमारा ये टैक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस लाइन का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से हम शैडो, इसकी शैडो ऐड कर लेते हैं पीछे, मतलब परछाई टैक्स के, जिससे कि जो हमारा टैक्स है जो हमने व्हाट्सअप लिखा वो थोड़ा सा उभर के आए और लगे अच्छा सा लगे, ठीक है। अभी हम टैक्स का थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये छोटा ज़्यादा छोटा था, अपने हिसाब से आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अभी ये तो हमारा एडजस्ट हो गया, अभी हमें और कुछ भी लिखना है, तो हम यहाँ पे टैक्स के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर यहाँ से भी आप प्लस के आइकन पे भी टैक्स ले सकते हैं, यहाँ पे भी टैक्स ले सकते हैं, एम आके, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पे फिर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम न्यू ब्रॉडकास्ट लिखेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसे न्यू ब्रॉडकास्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने काट दिया, और यहाँ से न्यू ब्रॉडकास्ट, इसके बाद डोंट और ओके, ठीक है, ये हमने न्यू ब्रॉडकास्ट हो गया। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे, कलर यहीं पे है ये, यहाँ से हम इसका येलो कलर लेंगे, और यहाँ से ओके। इसके बाद इसके चारों ओर लाइन के लिए स्टॉक हम यूज़ करेंगे, स्टॉक इसे इनेबल करेंगे, ये चारों ओर टेक्स्ट की लाइन आ गई। फिर शैडो यूज करेंगे, ये शैडो आ गई, नीचे आके हम इसके शैडो को डार्कनेस कर देंगे, ठीक है, जो शैडो है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है, ठीक है। तो और भी जो हमारा टैक्स है वो थोड़ा सा उभर के आता है अच्छे से, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से एक टैक्स और ऐड करूँगा, ठीक है, ये टैक्स ऐड कर ली। अब हमें यहाँ से और कुछ भी लिख रहा है, तो मैं इसे काट देता हूँ, और क्या है और कैसे यूज करें, ठीक है, न्यू ब्रॉडकास्ट क्या है और कैसे यूज करें, हम कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं अपने थंबनेल में, मतलब आपको ज़्यादा नहीं लिखना है थंबनेल में,
जैसे मैंने मतलब एरो का निशान लग के बताया ना कि ये चीज़ है और ये क्या है, कैसे यूज करें, थोड़ा मतलब जितना कम आप लिख सको उतना कम आपको लिखना है, ठीक है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतने भस मतलब ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा देर आपके थंबनेल को देख नहीं पाते, वो ऊपर स्वाइप अप करते रहते, तो जितनी देर आपके थंबनेल को नहीं देख पाते, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस बात पे, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, थोड़ा कम लिखना है। जितना कम लिखोगे और मतलब कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ बतानी है, ठीक है। तो ये हमने इसके यहाँ से शैडो ऐड कर ली है, अब इसका हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब हम तीनों चीज़ों को मतलब जो तीनों टैक्स हमने ऐड की है उसके हिसाब से हम थंबनेल में थोड़ा सा अच्छा लगे इसके हिसाब से हम थोड़ा साइज एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस एप्लीकेशन का जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे सब समझ जाएंगे। बहुत ईजी एप्लीकेशन है, ऐसे नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और हमें समझ में नहीं आ रहा ये वो है, ठीक है। कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करो, आपका भाई तैयार है, आपको 100% रिप्लाई करने के लिए तैयार है भाई आपका। तो यहाँ से इसे व्हाट्सअप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ से, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं उसे, इतना ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से ओके, इसके बाद हमारा जो ये थंबनेल है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मतलब इतनी मेहनत करके मैं थंबनेल बनाया, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा तो मतलब ये वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। मैंने वीडियो में कहीं नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपको यहाँ पे क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना, ठीक है, और सेव टू गैलरी, और यहाँ से आपको छेड़खानी कुछ नहीं करना, आपको सेव टू गैलरी पे ही क्लिक कर देना, ये सेव हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ करके एक अच्छा और वेरी गुड थंबनेल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ हमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।